अजीज तलबा सबक मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक इसका दूसरा हिस्सा समझते हैं। मोहम्मद हाजी टेक्निकल स्कूल खुलने के 10 साल बाद सन 1946 ईस्वी में मुंबई के एक मशहूर तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम ने इस स्कूल का इंतजाम अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद यह इदारा बहुत तरक्की करता गया और तरक्की करते करते सन 1958 ईस्वी में इस स्कूल को पॉलिटेक्निक का दर्जा मिल गया। पॉलिटेक्निक यानी जहां मैट्रिक यानी दसवीं के बाद 3 साल का एक कोर्स होता है, जहां तलबा को हुनरमंदी के काम सिखाए जाते हैं और कामयाब होने पर तलबा को एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया जाता है। मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक कॉलेज को सन 1984 में मजीद तरक्की मिली और तरक्की करता गया अदारा और 1984 में इसको मजीद तरक्की उस वक्त मिली जब हुकूमत हिंद ने इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी एक ऐसा इदारा जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है बना दिया। इस इदारे से हर साल सैकड़ों डिप्लोमा और डिग्री याफ्ता इंजीनियर निकलकर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में बड़ी बड़ी कंपनियों में आला ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। यह इदारा जो सन 1936 ईस्वी में कायम हुआ था, इसकी सिल्वर जुबली यानी 25 साल मुकम्मल होने की खुशी में एक जश्न मनाया गया और उस जश्न में बिलखुसूस भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को दावत दी गई। उन्होंने इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर शिरकत की और यहां शिरकत करने के बाद उन्होंने इस इदारे की तालीमी खिदमात को सराहा, उनकी कुर्बानियों की और उनके इंतजाम की बड़ी तारीफ की। अजीज तलबा, इस सबक का तीसरा हिस्सा हम अगली वीडियो में देखेंगे जो आखिरी हिस्सा होगा।